बस्मिलीम् अल्लमकम आप ईजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अभी जो मेरी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में ऑफ़िशल्स के साथ वो डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो मैं इस्लामाबाद के लोगों से मिला हूँ जिनकी काउंसलिंग्स थी और उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनका जो रवैया था जो उन्होंने मुझसे मुलाकात की वो बड़ा ज़बरदस्त था और अब मैं लाहौर पहुँच चुका हूँ कल मैं लाहौर पहुँच गया था आज जो है ग्यारह तारीख़ है और आज इतनी काउंसलिंग्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स होंगी इसके अलावा कल भी मीटिंग्स हैं परसों भी मीटिंग्स हैं तकरीबन 50 के आसपास लोग हैं जिनको हम टाइम दे रहे हैं काउंसलिंग का उनकी असेसमेंट है रिपोर्ट मेरे पास बन चुकी हैं आ गई हैं तो अगर कुछ नए लोग आएंगे तो उनको भी ग्रेजुएट सिस्टमेटिकली टाइम दे दिया जाएगा अभी चूँकि हम लाहौर में हैं तो हम कर सकते हैं लेकिन जो मालूम आपको देनी है वो जो न्यूज़ आपको देनी है बहुत बड़ी है और वो ये है जो गिवन नंबर्स हैं उन पे आप रब्ता कर सकते हैं या फिर अगर गिवन नंबर ना उठाए जाएँ पाँच बजे के बाद तो आप मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको टाइम दे दिया जाएगा कोई इशू नहीं है बैरूनी मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को कर्ज़ा देंगे ये अयूब आफर्दी साहब ने हमको भी बताया था और अब ये न्यूज़ जो है वो मीडिया में आ चुकी है आज के आज के न्यूज़ के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ और वो ये है कि वज्रजम के मुशीर हैं ये हमारे और उन्होंने ये ओवरसीज़ के नीचे आते हैं इन्होंने कहा कि ये जो मुलाजमत के लिए बाहर लोग जाते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग जेवर बेचते हैं वो लोग प्लाट्स बेचते हैं घर बेचते हैं कर्जा लेते हैं और सूद पे पैसा लेते हैं यहाँ पर बड़ा मसला आता है क्योंकि जो बाहर कौन जाएगा गरीब लोग जाते हैं उनके ये बड़े मसले मसाइल आते हैं तो अब उन्होंने जो हमारी जो सजेशन्स थी जो अभी और सचेन्स भी हमारी हैं मैंने उनसे कहा है कि वो जो है वो एम लें कनाडा के अंदर जाने के लिए बात करें क्योंकि यूरोप में हमारा एम मौजूद है लेकिन कनाडा में नहीं है लेकिन मेरा जो 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 जोर है मेरा जो जोर रहा फुल टाइम वो कनाडा के एम पे था और मैं दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरी वन टू वन बात हो उनसे तो मैं कनाडा के एम पे बात करूँगा और अगर हो सका तो मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात करूँगा एम के हवाले से आई एम इंटरेस्टेड ये मेरा शौक़ है लेकिन जो उन्होंने कर दिया है मैं वो बता रहा हूँ आपको इस न्यूज़ के अंदर जो उन्होंने कर दिया है मैं आपको वो इन्फॉर्म कर देता हूँ उन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने कहा कि अब आपको ना तो घर बेचने की ज़रूरत है ना सूद लेने की जरूरत है ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत है आपको जो है गवर्नमेंट कर्जा देगी सूद कोई कर्जा नहीं होगा इसके अंदर एक रुपए भी आपसे चार्ज नहीं करेगी और उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के हवाले से हुआ क्या है ये जो सीज़न गुजरा है आप देख रहे हैं तीन साल में ग्यारह लाख लोग बाहर गए इसमें कोई शक नहीं है कैलकुलेशन है तीन साल गुजरे तीन साल में ग्यारह लाख लोग कम गए गए जो एक बहुत कम फिगर है ये बहुत छोटा फिगर है पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि सिर्फ ग्यारह लाख लोगों को भेजे तीन साल के अंदर तो उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगा ये फिगर बढ़ जाएगा यानी कि हम इन मिलकर हम पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ की जो टीम है गवर्नमेंट और हम हम मिलकर हम 2022 के अंदर इस साल के अंदर टारगेट रखते हैं कि उनके मुताबिक जो अफरीदी साहब हैं उन्होंने भी हमें यही मोटिवेट किया है और हमारी खुबी ख्वाहिश भी यही है कि कम से कम 10 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2022 में जाएं और ये टारगेट अचीव इंशाल्लाह हो जाएगा आपको मैं 2023 में इन्फॉर्म कर दूँगा कि फ़िगर क्या रहे यानी कि आप लोगों के लिए न्यूज़ ये है कि अब आप लोगों ने जो है ना वो ये दिमाग में रखना है कि ना तो आपने कोई चीज़ बेचनी है ना सूद पे कर्जा क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं वो हमें बताते हैं कि उन्होंने सूद पैसा लिया हुआ है और वो पैसा कभी उतरता ही नहीं है बल्कि उनके अपने और घर चले जाते हैं मतलब कमाने के लिए किया होता है और गरीब का अपना घर ही चला जाता है तो आप तमाम पाकिस्तानियों को जो हमारा लेबर तबका है जो बाहर काम करना चाहता है ओवरसीज़ काम करना चाहता है उसे बग़ैर कोई चीज़ बेचे या कर्जा लिए या कोई भी काम किए वो जाएगा उसका एक रुपया खर्च नहीं होगा टिकट ना पी वीज़ा ना कोई और कॉस्ट बल्कि गवर्नमेंट सपोर्टिंग कर्ज़े पे चला जाएगा और उसके बाद वो सस्टमेटिकली जो उसका सिस्टम है उसके मुताबिक वो भरता रहेगा और तीन साल का इसके टाइम होगा तीन साल में आप अपना एक सेटअप बना सकते हो यानी कि आपको कुछ खर्च नहीं होगा ना सूद ना कुछ बिका बल्कि आपकी सहूलत होगी और ये सहूलत इन हम आपको प्रोवाइड करेंगे मतलब हम से मुराद ये है कि सिर्फ मैं नहीं हम तो प्रोवाइड करेंगे ही हमारी अल अबीरो ओवरसी सर्विसेज तो प्रोवाइड करेगी ही बल्कि हमारे जो और भाई हैं जो लाइसेंस्ड हैं तो ये तमाम सर्विस जो है इंशाल्लाह आपको हमसे मिल जाएगी हम इसमें सपोर्ट करेंगे आपको इसमें भी असिस्ट करेंगे ये किस तरह कर्जा लेना है क्या करना है लेकिन वो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है वो ऐसा नहीं कि आप बैंक जाएंगे आप बोलेंगे जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ मुझे पाँच लाख रुपये दे दें ऐसा नहीं होगा वो हमारे सिस्टम के तहत ही होगा हम आपको गाइड कर देंगे लेकिन उसके लिए एक बार समझ लीजिए कि जब वो ओपन होगा उसकी शराइ उसके फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन तरतीब इस वीडियो में चैनल में मिलेगी आप लोगों ने चैनल को फॉलो करना है ताकि आप उसको ले सकें मुझसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को वीडियोस को मिस मत किया कीजिए ये इन्फॉमेशन आप लोगों के लिए होती है ये कर्ज़ा या ये सिस्टम या आपको भेजना ये आप लोगों के लिए है तोज्ज़ो से देखा करें ये तमाम सीरियस मामलात हैं सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वो तमाम ओवरसीज़ कंसल्टेंट जो लाइसेंसड हैं ये बात दिमाग में रखिएगा मैं एजेंटों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपसे होटल में बैठ के मिलता है तो आप जो लाइसेंस्ड हैं वो आपको ये सहूलत देंगे इन आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है एजेंट शायद आपको पाँच लाख के भी पचास हज़ार मांग लेगा आपसे तो आपको उसके लिए एक रुपए नहीं देना है किसी को आपने एक रुपए भी नहीं देना है और आपको कर्जा मिलेगा इन ये बात दिमाग में रखें कि एजेंटों से आपने बचना भी है इन अल्लाह हाफिज़